नमस्कार बच्चों, क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए बच्चों हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हमने काफ़ी सारी सेल की ऑर्गनलीज को डिस्कस किया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू द सेल। उसी तरह से हमने क्लोरोप्लास्ट का जिक्र किया, किचन ऑफ द सेल, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर ए सेल। और क्लोरोप्लास्ट जो एक प्लास्टिड है, जो तीन प्रकार की प्लास्टिड है, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरो की वजह से ग्रीन कलरेशन है और ल्यूको की वजह से नो कलर है या व्हाइट कलर है, और क्रोमो जो है वो अदर देन ग्रीन कलर है। इसी प्रकार से हमारी जो ऑर्गनली है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है बच्चों, सबसे पहले जिसको बोस ऑफ द सेल बोलते हैं, बोस ऑफ द सेल जो है वो न्यूक्लियस को बोलते हैं, बोस ऑफ द सेल। अब इसको बोस ऑफ द सेल क्यों बोला? क्योंकि ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड ए सेल। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, दूसरा ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में चलती है इंफॉर्मेशन। वो क्या है? जैसे कि हम बच्चा जब पैदा होता है, हम बोलते हैं कि कुछ करेक्टर्स इसमें ये दादे पे गया है, मामा पे गया है, मामी पे गया है, कुछ एंसेस्ट्रल करेक्टर से रिजेंबलेंस शो होती है कि ये फलाने पे गया हुआ। वो करेक्टर्स जो है वो भी हमारे न्यूक्लियस में स्टोर होते हैं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स है, और न्यूक्लियर पोर्स के अंदर जो फ्लूड है, इस फ्लूड को बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है जिसमें हमारा क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह आते हैं, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है। ठीक है, तो एक स्टोर हाउस का काम करता है इंफॉर्मेशन को, कंट्रोलिंग यूनिट है सेल का, सेल को कंट्रोल करता है। तो ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, एक वॉल से घिरा हुआ है, डबल वॉल है ये, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जो मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो आपकी ऑर्गेनेल इसके बाद आती है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं उसको RER बोलते हैं, दैट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है या ये गोल्गी अपरेटस के साथ अटैच्ड है तो इसको हम SER बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तीन प्रकार की शेप्स जो इसकी है जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहली आती है सिस्टर्नी, ये आ गई बच्चों इसकी, ये आ गई सिस्टर्नी, फिर दूसरा आ गया वेजिकल शेप, और तीसरा आ गया इसका एक ट्यूब्यूलर शेप। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसको कि ये जो है इसके बाहर से डॉट 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 बनाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा, सेम इसके ऊपर से भी, तो इसको बोलेंगे सिस्टर्नी, इसको बोलेंगे वेजिकल्स, और ये हो गए टिब्यूल्स। ठीक है, अब जो दो प्रकार के एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मैंने बोले, RER और SER, RER में क्या होता है, ये एंगेज्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स। ठीक है, उसके अलावा ये चैनल प्रोवाइड करता है, मतलब एक किस्म का नेटवर्क बनाता है क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, RER। अब SER की बात करेंगे तो SER क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या पॉइजन कोई भी हो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं अगर सेल के अंदर हो। और दूसरा सिंथेसिस ऑफ फैट्स इनसाइड द एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, ये SER जो होते हैं वो सिंथेसिस ऑफ फैट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाद जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गनली है, दैट इज राइबोसोम्स, उसको हम राइबोसोम्स बोलेंगे। एक स्फेरिकल ऑर्गनली है जो ओवेट शेप की है या स्फेरिकल शेप है, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो मेन काम है, इसका जो मेन काम है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस।
इसका जो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसका मेन फंक्शन है। और अगर आप टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के हैं, एक है आपका 70S राइबोसोम्स और दूसरे हैं 80S राइबोसोम्स। ठीक है, अब अगर हम 70S राइबोसोम्स की बात करेंगे तो 70S राइबोसोम्स जो है ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या हुआ बच्चों? प्रोकैरियोट्स वो होता है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि राइबोसोम्स जो प्रेजेंट है वो 70S टाइप है। 70S का मतलब होता है कि 70S का मतलब दो सब यूनिट्स का बना हुआ है, जैसे आपका एक ये आपका बड़ा सब यूनिट होगा, एक छोटा सब यूनिट होगा। अगर 70 की बात करेंगे एक 50S है, एक 30S है। ठीक है, इसी तरह से 80S की बात करेंगे तो एक बड़ा सब यूनिट है, एक छोटा सब यूनिट है। बड़ा जो है वो 60S का है और छोटा जो है वो 40S का है। ठीक है, तो 70S टाइप जो राइबोसोम्स की है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स कौन है? जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है जैसे हम। ठीक है, और सेकंड जो ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स के बाद, इसका फंक्शन मैंने बता दिया आपको कि एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, दूसरा ये हेल्प करता है मतलब ये कंटेन करता है ऐसे एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और अगली ऑर्गेनेल आती है आपकी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ ए सेल, और इसका कॉमन नेम जो है उसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। अब लाइसोसोम्स को हमने सुसाइडल बैग्स बोला, दैट मींस ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, एक सोल्जर का काम करते हैं, एक क्लीनर का काम करते हैं। अब क्या हो जाता है कि सेल के अंदर कोई अगर ओल्डर पार्ट हो जाएगा तो वो जो ओल्डर पार्ट है उसको भी ये खा लेता है। ये कुछ इसके अंदर एंजाइम्स हैं, करीब करीब 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इसके अंदर, जो डाइजेस्ट कर देते हैं ओल्ड सेल को, या कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई इंफेक्शियस पार्टिकल अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ये उसको भी खाने में मदद करते हैं, और तभी इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। मतलब दे मे किल द सेल इन विच दे लिव, लेकिन सेल के ओल्डर पार्ट्स को खाता है। ठीक है, और लाइसोसोम्स की बात करेंगे तो ये फंक्शन में आता है इसका कि ये इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स करता है, सबसे पहले इंटरसेलुलर, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिमूव करता है सेल डेब्रिस को, तभी इसको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। और अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल आती है बच्चों आपकी वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। अब बात करेंगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो प्लांट सेल में वैक्यूल लार्जर साइज के हैं, एनिमल्स में वैक्यूल स्मॉलर साइज के। प्लांट सेल में करीब करीब 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज कवर्ड बाय वैक्यूल्स, ये लार्जर साइज के, और एनिमल्स में ये क्या है स्मॉलर साइज के, और बहुत ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, और प्लांट्स में नंबर कम है लेकिन साइज ज्यादा है। तो ये होता क्या है कि वैक्यूल जो है ये स्टोरेज सैक्स बोलेंगे हम इनको, सबसे पहले क्या बोलेंगे स्टोरेज सैक्स, और ये हेल्प करते हैं रिमूव मतलब सेल को हेल्प करते हैं ताकि सेल की टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है वो मेंटेन रहे, और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल की ग्रोथ में भी। ठीक है, अब अगर हम वैक्यूल की बात करेंगे तो वैक्यूल जो है वैक्यूल के अंदर का जो फ्लूड है स्टोरेज फ्लूड उसको सेल सैप बोलेंगे, और जिस वॉल जो आउटर मोस्ट वॉल है इसको हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था वैक्यूल जिसके फ्लूड को हमने सेल सैप बोला, वॉल को हमने टोनोप्लास्ट बोला, उसका फंक्शन है स्टोरेज सैक है, हेल्प करता है सेल को टर्जिड और रिजिड बनाने में मदद करता है, सेल की ग्रोथ में मदद करता है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब बात आती है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की। अब सेंट्रियोल जो है ये एनिमल्स में प्रेजेंट है और प्लांट्स में एब्सेंट है, और इसका मेन फंक्शन ये है कि सेल डिवीजन में मदद करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन, जब सेल डिवीजन होती है, जब सेल ने डिवाइड होना होता है। सेल देखो बच्चों दो तरीके से डिवाइड होता है, या तो सेल एक सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब सेल एक से दो हिस्सों में डिवाइड बोलेंगे इसको बोलेंगे माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइटोसिस। और यदि एक सेल जो है
वो चार सेल्स में डिवाइड होता है। कितने सेल्स में? चार सेल्स में डिवाइड होता है। इस केस में क्या होगा, एक से दो में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर इधर 44 है 44 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। इसको मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है वो सेंट्रियोल की वजह से होती है एनिमल्स में, लेकिन अब प्लांट्स में ये एब्सेंट है। तो प्लांट्स में कौन करता है सेल डिवीजन? पोलर कैप्स। कौन करता है? पोलर कैप्स। तो सेंट्रियोल की बात ही, अगर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपने देखना है तो आप रिंग शेप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपका जो साइकिल होता है, साइकिल में रिम होता है इस तरीके का होता है, तो इसमें ये तीन तीन करके ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, तो इस तरीके से वो जो होंगे ए बी सी करके माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रियोल जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट है और प्लांट्स में अब्सेंट है, ठीक है। और मदद करता है ये स्पिंडल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में मदद करता है, और एक बेसल बॉडी या ये क्या करता है कि हेल्प करता है मोटाइल स्ट्रक्चर्स को बनाने में, जिसको हम मोटाइल स्ट्रक्चर में आता है सीलिया फ्लैजेला, उसको बनाने में मदद करता है। तो बच्चों ये आपके पास राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल, इस प्रकार से आपके जो है सेल ऑर्गनेल्स जो है, डिफरेंट सेल ऑर्गनेल्स हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट होगा हमारा टिश्यूज, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो आपको जहाँ दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।